हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हर्ष वर्मा रवि में। आज हम बात करेंगे नाइलेट ट्रिपल सी का जो फॉर्म होता है वो कैसे भरा जाता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, फॉर्म भरने के कितने दिन बाद हमारा एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन क्या क्या हैं आपके लिए, ये ऑफिशियल ये सारी जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। तो सारी चीज़ अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम अगर कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसे तुरंत देख लें कोई नई अपडेट हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आपका लाइक या सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। हम जाएंगे हैं क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पे हम टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। टाइप करने के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे सामने सरकारी रिजल्ट का ऑफिशियल पेज खुल के आ गया है। इस पर देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है ट्रिपल सी नवंबर 2021 अप्लाई ऑनलाइन। आप जो है कि यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप ऊपर 3 जो है आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, वहाँ पे आप फाइंड इन पेज या फाइंड में जाके आप एक हिंदी लगा हुआ है इंग्लिश लगा लेते हैं ट्रिपल सी टाइप करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे। या फिर अगर आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आपको नीचे इंपॉर्टेंट में भी मिल जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट में आपको मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। अगर ऊपर कहीं नहीं सो रहा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अगर हमें ऊपर सो रहा है तो हम यहीं से खोल लेते हैं। ये हमारा जो है कि नवंबर के एग्ज़ाम के लिए बता रहा है ना, नवंबर के लिए अगर हमें अप्लाई करना है, जैसे कि सितंबर चल रहा है हमारा, हम अगर सितंबर में फॉर्म भरेंगे तो हमारा अक्टूबर छोड़ के नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म आप भरेंगे कब, नवंबर में 1 तारीख से लेके और जो लास्ट डेट 30 या 31, जो भी आपकी लास्ट डेट है किसी मंथ की, उस डेट के बीच अगर फॉर्म आप भर देते हैं तो उस वो मंथ और उसके बाद वाले एक मंथ छोड़ के तीसरा मंथ जो आएगा उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं ट्रिपल सी नवंबर 2021 अप्लाई ऑनलाइन पे। ये ऐड आ गया, इस कट कर देना है। ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट स्टूडेंट नाइलेट ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म फॉर नवंबर 2021 एग्ज़ाम, है ना। ये पोस्ट डेट है 30 अगस्त, है ना। फिर पोस्ट अपडेट मतलब 1 सितंबर को ही अपडेट हो गई है 10/28 पे, मतलब आपका फॉर्म भरना इस डेट से स्टार्ट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर नवंबर के लिए फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन बिंग 1/1/2021, है ना, मतलब ये हर साल स्टार्ट हो जाता है, हर साल में पहली तारीख पहले महीने को ही स्टार्ट हो जाता है, इसके मीन्स 1 जनवरी को। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 31/12/2021, साल के पहले दिन से स्टार्ट होता है और साल के लास्ट डे तक ये एप्लीकेशन फॉर्म चलता रहता है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम जो है एवरी मंथ साइकिल में होता है, हर एक महीने में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे बीच में कोरोना काल आ गया था तो बीच में हम कुछ मिस हो गए हैं 2-3 महीने, लेकिन फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में हर महीने में एग्ज़ाम कराया जाता है। और एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, लगभग आपका अप्रॉक्स 1 वीक या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है एग्ज़ाम के पहले। तो इसके मतलब है इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, बस इसकी लास्ट डेट यही है कि अगर आप अगस्त में फॉर्म भरेंगे तो सितंबर छोड़ के अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, है ना, एक महीना बीच में छोड़ के आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल या अदर स्टेट के लोग भी इसमें भर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग भी, है ना। तो जनरल या अदर स्टेट वालों के लिए 590 रुपये हैं, OBC BC के लिए भी 590 रुपये, SC ST के लिए भी 590 रुपये। इसमें SC ST वालों का कुछ कम नहीं है रुपया, जैसे कि कई फॉर्म में SC ST वालों की फ़ीस कम होती है, फीमेल की कम होती है, तो इसमें कुछ नहीं, मेल है फीमेल है, SC ST OBC जनरल है अदर स्टेट है, सबके लिए 590 रुपये फ़ीस गवर्नमेंट ने रखी है, नाइलेट ने रखी है। अब देखो एग्जामिनेशन फ़ी हम अपनी जमा कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, है ना, और भी जैसे हमारे कई मोड हैं, जैसे इसमें लिखा है कैश कार्ड फ्री मोड ओनली। अब इसमें देखिए हम बात करते हैं कोर्स नेम ट्रिपल सी, एज लिमिट, इसमें नो एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी का है एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब पढ़ रहे हों क्या पढ़ रहे हों आप, 10th से नीचे हैं तब भी आपका फॉर्म में भर जाएगा, है ना। अगर आप 9th में तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई एज लिमिट नहीं है, और आप 10th के ऊपर भी हायर एजुकेशन में तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा। डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड नंबर UIDAI, है ना, उदय,
तो आधार कार्ड भाई सबके पास है, ये आम आदमी का अधिकार है, तो आधार कार्ड नंबर इसमें पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आपको सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, नहीं कि फ़ोन में है उससे काम नहीं, एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जिस हाथ से आप लिखते हैं हमेशा, जिस हाथ से सिग्नेचर करते हैं वो आप एक वाइट पेज पे कर लेंगे और फिर उससे भी अपलोड करना है। रनिंग हैंड इसमें दिया गया, जिस हाथ से आप हमेशा करते हैं, ये नहीं कि हमेशा दाहिने से करते हैं आप बाएँ से कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन सॉफ्ट कॉपी फॉर अपलोड, इसका मतलब भी आपके लेफ्ट हैंड मतलब बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान है ना, जो आप इसे लगाते नहीं इनके साथ अंगूठे का निशान, वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी पे लगा लेना है, फिर उसे अपलोड करना है। ये आपके डॉक्यूमेंट है इतने रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करेंगे। इसे स्लाइड करके नीचे जाएंगे, सब म्यूचुअल इंपॉर्टेंट लिंक्स के सामने से अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप अप्लाई का पेज खोल के आ जाएगा। अभी हम आपको अप्लाई की भी प्रोसेस बताएंगे, उससे पहले बताते हैं डाउनलोड सिलेबस। आप क्लिक हेयर करेंगे आपको सारा सिलेबस जो जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ देखिए आपको दिया गया है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप इस लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से, ठीक है। तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने हम क्लिक हेयर करते हैं, देखिए क्या खुल के आते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में देखिए क्या लिखा है, हम सबसे पहले खोले रजिस्ट्रेशन हमारा खुल के, अगर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबसे ऊपर हमारा लिखा है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, ये हमारा ट्रिपल सी का फुल फॉर्म है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है ना। जितने में रेड स्टार बनाए हैं वो सभी फील्ड अनिवार्य है, हमें सब भरना है। हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोल्ड विथ नाइलेट, अगर आपको कोई नाइलेट से ऑनलाइन जो है कि रेफरेंस नंबर मिला है तो आप यस करेंगे और ना नो कर देंगे आप यहाँ पे, तो नो ही करना है सबको यहाँ पे फिलहाल। फिर यहाँ पे पूछा गया है सेकंड में, क्या आपने पहले ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, अगर आपने पहले कभी किया है फेल हो गए हैं या कुछ ऐसा है तो आप यस करेंगे, वरना सब लोग ऐसे एक बार में ही निकल जाते हैं एग्ज़ाम, कोई बहुत टफ नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे नो करना है आपने पहले कभी नहीं किया है। एप्लीकेंट्स फुल नेम है ना, आवेदक का पूरा नाम लिखना है आपको यहाँ पे, नाम लिखना है ना। और उसके पहले ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, सिलेक्ट इसमें आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप श्री सुश्री अन्य है ना, जो भी है आपका मिस्टर हैं मिसेज हैं है ना मिस हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने नाम के पहले। फिर उसके नीचे आपको लिखना है देखभाल किसकी केयर में आप हैं, पेरेंट्स या गार्जियंस, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता है ना, तो माता पिता में जैसे कि माता पिता किसी के नहीं है तो गार्जियन का भर सकता है, जिसके साथ वो रह रहा है जिसकी देखभाल में रह रहा है ना। तो सेम उसके आगे भी श्री श्रीमती फादर मदर का नेम हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए कैलेंडर आ गया है, आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर लेंगे, अभी थोड़ा एरर आ रही है तो कैलेंडर ओपन नहीं हो रहा है, ये नेटवर्क इशू है, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपको कैटेगरी अपनी चूज़ करनी है, कैटेगरी आप जैसे कि जनरल हैं है ना, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो भी हैं बैकवर्ड हैं, जो भी आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से कर लेंगे जो आप होंगे। ऑक्यूपेशन आपका क्या है ना, तो भाई इसमें आप क्या रखेंगे, गवर्नमेंट जैसे कोई गवर्नमेंट में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, तो यहाँ पे जैसे आप स्टूडेंट हैं तो अदर कर लेंगे, यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन तो आ नहीं रहा है ना, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है आप अपने यहाँ पे एक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांगता है ना, दिव्यांग है तो आप यस करेंगे वरना नहीं कर देंगे। आर्थिक रूप से अगर आप कमज़ोर हैं तो यस करेंगे वरना नहीं कर देंगे, ठीक है। फ़ोन विथ स्टडी कोड ये हमारा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब फ़ोन किसी के यहाँ वैसा नहीं है जो स्टडी कोड वाला हो, तो इस फील्ड को हम छोड़ देंगे। फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, क्योंकि कंट्री कोड हमारा 91 है वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर हमें अपना यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, हमारा ईमेल एड्रेस जो भी होगा हम वो डाल देंगे। फिर उसके बाद जैसे हमारे जीमेल पे क्रिएट, तो @gmail.com या @yahoo.com, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जीमेल ही यूज करते हैं, तो अपना एड्रेस जो भी आपका जीमेल एड्रेस है पूरा यहाँ पे डाल देंगे। फिर एड्रेस वन एड्रेस टू है ना, ये दिया है देखो लाइन, तो इनमें हम क्या करेंगे अपना एड्रेस डाल देंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा, जैसे आप किसी गांव से हैं, किसी शहर से हैं, जहाँ से भी हैं आप अपना है ना, तो एक लाइन में जैसे आप लिख दिए विलेज ही, नीचे वाली लाइन में लिख दिए पोस्ट ही है ना, या फिर ऊपर लिख दिए अपना शहर से आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो अपना यहाँ पे हाउस नंबर लिख दिए, फिर नीचे वाले में आप किस मोहल्ले में रहते हैं वो चीज़ लिख दिया है ना। और ऐसे आप तीन लाइन आपको एड्रेस के लिए दिए हैं, फिर सिटी नेम शहर नेम जैसे भी आप अपनी सिटी का नाम डाल देंगे यहाँ पे, सिटी का नाम जैसे रायबरेली डाल दिए, लखनऊ डाल दिए, बाराबंकी डाल दिए, ऐसे में कोई भी आपकी जो जिस सिटी के पास हैं आप जिस सिटी में या फिर हैं आप वहाँ का नाम डाल सकते हैं। फिर आपको स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट के हैं आप है ना,
अरे भाई उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उत्तर प्रदेश करेंगे, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है लखनऊ बाराबंकी, आप यहाँ से कर लेंगे, बलरामपुर बस्ती देखिए सब आ रहे हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड पे जाएंगे, आप जिस एरिया में रह रहे हैं आपके आधार पे आपका पिन कोड पड़ा होगा, आप वहाँ का पिन कोड डालेंगे। फिर हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, देखिए आप हायर आप कहाँ तक पढ़े हैं अभी तक, जैसे आप कोई फॉर्म भरें तो कि यहाँ पे लिखा है अदर, जैसे इसमें से अगर कोई नहीं है उसके लिए क्या है ग्रेजुएशन और हायर, है ना, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं आप उसके आगे भी कर रहे हैं कुछ तो हायर में कर देंगे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है आपका तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर देंगे। अगर आप अभी 10th क्लास नहीं पास हुए तो बिलो 10th करेंगे, 10th ही पास हैं तो 10th पास करेंगे, 12th पास हैं तो 12th पास यहाँ पर करेंगे। अगर हम 10th पास हैं और ITI भी है तो 10th प्लस ITI कर देंगे। इसमें ईयर ऑफ पासिंग डाल देंगे हम किस ईयर में पास हुए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स की। अप्लाइड एस, अगर आप डायरेक्टर हैं या किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आपको उस पर टिक करने रहे हैं, ना। अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन किस एग्जामिनेशन के कर रहे हैं, एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए सिलेक्ट एग्जामिनेशन नेम, नवंबर के लिए जैसे ये देखिए सितंबर हमारा चल रहा है तो हम नवंबर के लिए ही तो यहाँ करेंगे, सितंबर चल रहा है, फिर एक मंथ का हमने बताया बीच में ब्रेक होगा, हाँ अक्टूबर निकल जाएगा, फिर नवंबर में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको दो फिल करना होता है, आप किसी भी दो स्टेट में भी फिल कर सकते हैं, जैसे हमने पहला यहाँ पे कोई स्टेट ले लिया है ना, कोई भी स्टेट हमने उत्तर प्रदेश ले लिया, उसके अंदर हम कहाँ के सेंटर अपना लेना चाह रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे लोकेशन अभी हमारी शो हो जाएंगी, उस लोकेशन पे हम लेंगे, या दूसरा स्टेट एक हम आंध्र प्रदेश में है ना लेना चाह रहे हैं, फिर उसके आगे जो जो हमारी लोकेशन है वो भी शो होंगी। यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए फ़ी भी दिखा रहा है, रेस 590 रुपये एवरी मंथ एग्जाम साइकिल के लिए। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, सबके पास आधार कार्ड है, सबको पता है आधार नंबर, उस पर फ्रंट में लिखा होता है, बैक में भी लिखा होता है। फिर आपको फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है और लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे ये जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, ये टेक्स्ट यहाँ नीचे बॉक्स में इसमें डाल के, है ना, इसमें टेक्स्ट में आप सारे बॉक्स में सारे टेक्स्ट डाल देंगे, फिर डिक्लेरेशन को टिक करके सबमिट कर देंगे, फिर आपका फॉर्म भर जाएगा और आपको फ़ीस जमा करना रह जाएगा। आप अपनी फ़ीस जमा कर देंगे एप्लीकेशन नंबर डाल के, आपकी फ़ीस की भी प्रिंट निकल आएगी और एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट निकल आएगी, उस पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, उसी की हेल्प से आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, उसमें आपको रोल नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप अपना एग्ज़ाम देंगे और उसी रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के मदद से आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो भी आप देख सकते हैं। अप्रॉक्स एक महीने के आसपास एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आ जाता है, एग्ज़ाम के एक महीने के बाद रिज़ल्ट आता है, दो चार दिन इधर या उधर। हम बात कर लेते हैं फ़ोटो सिग्नेचर और जो लेफ्ट हैंड थंब है उसमें हमारा किस फॉर्मेट में है चाहिए, है ना, और वो जो है कितना साइज होना चाहिए। तो जो हमारा फ़ोटो है वो JPG में होना चाहिए या JPEG में होना चाहिए, GIF या PNG में होना चाहिए, ये एक्सटेंशन होना चाहिए उसके। और वो जो कि इमेज साइज अप टू 50 KB तक ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ हमारी सिग्नेचर में भी दी गई है और सेम चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड थंब में भी दी गई है। तो ऐसे आपको अपलोड करना है। तो अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।